स्माइल का है। छोड़ूंगी कि मैंने इसको पिक कर लिया है या कुछ ऐसे, आपको तो पता ही है ऐसे कैसे होगा कि स्माइल आपके साथ नहीं है। जाएगी 2 टेबलस्पून के करीब योगर्ट जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर ना ये चिकन जो टेंडर मैं लेकर आई हूँ ना, इसको मैं मैरिनेट करने वाली हूँ। बच्चों को आज मैं क्या बना के देने वाली हूँ, शवारमा बना के देने लगी हूँ। वैसे तो चिकन टिक्का रोल भी बोल दें आप, शवारमा बोल दें, कुछ भी यानी कि चिकन टिक्का रोल बोल दें या शवारमा बोल दें कोई मसला नहीं है। क्योंकि बच्चों को ना आज वैसे फ्राइडे है, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि ये व्लॉग कब जाएगा, शायद संडे को चला जाए या लेट हो जाए या जल्दी चला जाए या सैटरडे को चला जाए, लेकिन आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा था बच्चों को आज मैं कुछ थोड़ा सा ना डिफरेंट बना के खिलाती हूँ। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर ये मैरिनेट करने लगी हूँ चिकन को। और आपसे मेरे ख्याल से पहले भी शेयर किया हुआ मैंने, लेकिन मैं कहती हूँ एक दफ़ा और शेयर कर देती हूँ। और आप इसके लिए मैं यूज़ पता क्या कर रही हूँ, चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे यानी घर के इंग्रीडियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर को मज़ीद और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं इसमें ना ये भी डालूंगी। और अगर बच्चों ने खाना तो मेरे ख्याल से चिकन टिक्का का जो है ना ये 2 टेबलस्पून अगर मैं ये डाल देती हूँ ना, ये उनके लिए स्पाइसी इनफ हो जाता है। लेकिन हमने खुद यूज़ करना हो, जब खुद हमने खाना होता थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, तो रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ और इसमें और भी यानी कि थोड़े स्पाइस ऐड कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं, इसको मैरिनेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं तो अंदाजे से 3 टेबलस्पून के करीब डालूंगी इसमें। अगर आपको लगता है कि आप एग्जैक्टली 3 टेबलस्पून ही डालने हैं ना, तो आप वो डाल सकते हैं। मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैं हमेशा स्पाइस जो होती है ना वो मेजर करके नहीं डालती हूँ। ये 3 टेबलस्पून डलेगा इसके अंदर, ये 1 kg है, ठीक है, चिकन टेंडर, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून ये डाला। और ये मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट बस ऐड करूँगी, इसमें मैं चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और ये चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये स्पाइस इनफ है बच्चों के लिए। फिर इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसमें अब आप जाएगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। थोड़ी सी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऑलवेज थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये ना हो गया जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, 1.5 कर लें आप, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी योगर्ट, फिर इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, जो इसको ना बहुत ही रिच फ्लेवर जो देगा ना। अगर हो सके तो इसमें आपने क्रीम ऐड करनी है तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जो चिकन टिक्का मलाई बोटी वाला ऐसे कोई बनता है ना, पराठा रोल बनते हैं, तो उसमें आप क्रीम यूज़ करते हैं और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप बस खुद ही वेरिएशन कर लेते हैं इसमें, खुद ब खुद क्या क्या चेंजिंग करेंगे तो जी वो बन जाएगा, फिर और कुछ ऐड करें तो वो बन जाएगा, इस तरह से। पर योगर्ट, योगर्ट जाएगी 2 टेबलस्पून के करीब योगर्ट जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, मेरा ना स्टैंड ही नहीं मिल रहा, बहुत अरसे बाद जो वीडियो बना रही हूँ अब तो जो स्टैंड है ना मेरा, वो कैमरे को रखने वाला, वो मुझे मिल ही नहीं रहा अब कहाँ पर है। तो फिर मैंने कहा चले अभी हाथ में, मैंने एक हाथ से डाल रही हूँ, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरा स्टैंड है मेरे पास, लेकिन वो उसके ऊपर इस तरह से ऊपर कैमरा जैसे ये मैंने रखा हुआ है, इस तरह से नहीं वो फोकस हो रहा। खैर, ये भी हो गया, अब इसको मैरिनेट करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ इसमें, ठीक है। सर ऑयल भी अंदाजे से ही डाल रही हूँ, ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं उठा देती हूँ, इसको मैं मैरिनेट करती हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं पहले सॉल्ट ऐड करने लगी थी थोड़ा सा, कि सॉल्ट डाल देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि केचप वगैरह भी डालनी है, मायोनीज़ भी, बच्चों को फिर ज़ाहिर है सॉस वगैरह तो लगा के देने ना सब, तो इसलिए फिर मैंने सॉल्ट नहीं डाला कि ज़्यादा ना हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ना बच्चों को बनाना तो ये इतने सिंपल स्पाइस काफ़ी हैं बच्चों के लिए ना। और वैसे भी ये है टिक्का का जो मसाला है ना, ये क्या नाम इसका, कंप्लीट है पूरी, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अदर स्पाइस की।
तो जनाब यहाँ पर मैंने सैलेड कट करके इसको रेडी कर लिया हुआ है, और बस अब जो हमने इसको असेंबली करना है, बच्चे आएंगे तो सब रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक आप साथ रहें, व्लॉग को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जनाब साथ रहेंगे तो पूरा कंप्लीट देखेंगे आगे क्या होने वाला है। तो अभी जनाब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, मैरिनेशन वगैरह तो हो गई, सब कटिंग वगैरह भी हो गई, या आके करती हूँ उसको असेंबल, और बस अभी बच्चों को लेकर आते हैं और फिर आके करते हैं बकिया काम। आज फ्राइडे है, फ्राइडे जब पढ़ लो और फ्राइडे के जब शाम होना स्टार्ट होती है ना, ऐसे लगता है कि बस कोई आज़ादी सेलिब्रेट कर ले, ऐसे लगता है। अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा सुकून तो कोई है ही नहीं ना, जैसे कि आज ज़हनी सुकून मिल रहा है, कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है आज। और इत्तेफाक़ से देखें, इत्तेफाक़ नहीं, जो फ्राइडे है ना, अच्छा जो फ्राइडे का दिन है ना, उस दिन कुरान क्लास नहीं है, बस मंडे टू थर्सडे है। तो फिर बस अभी से रिलैक्सेशन के जोन में ना हम जाने लगते हैं, लेकिन काम वैसे होते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग पे काम करने हैं ना, पिक एंड ड्रॉप, ये वो, ये सब, बच्चों का स्कूल, बच्चों के लंच, स्टडी, इससे आप ना ज़हनी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। और फिर जैसे सैटरडे फिनिश होता है ना, फिर संडे स्टार्ट हो जाता है, सब यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ वापस, सब चीज़ें। But then today we at the bus stop already at full time and Smile still not there. नहीं आपको पता नहीं स्माइल को, स्माइल का है? Oh my god, Smile आपको तू हर साथ ही तो आना था क्या मम्मा? But मैं देख रही हूँ वो तो भागा आता है। क्यों? अनाया, जब अनाया की छुट्टी हुई तो उसके बाद ही स्माइल आता है ना? नहीं नहीं ऐसे करके क्या पिक द मॉम? बताऊंगी नहीं तुम लोगों को ऑफिस में या अनाया की क्लास में, किसी को तो मैसेज छोड़ूंगी कि मैंने इसको पिक कर लिया है या कुछ ऐसे, आपको तो पता ही है, ऐसे कैसे होगा कि स्माइल आपके साथ नहीं है? क्या मतलब कहाँ तुमने देखा ना छुट्टी के टाइम पे, किधर है? चलो फिर स्कूल की तरफ उधर देखे। क्या मतलब तुम्हें देख के कंफर्म करके आना चाहिए था, बैठा होगा मतलब वॉशरूम में गया होगा। तुम्हें पता है ना वो चला जाता बिना बताए वॉशरूम में। अनाया स्लैप खानी है मेरे से अभी, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, वॉशरूम में गया होगा तो बाबा तो घर रहे हैं, फिर बाबा तुम जाओगे तो भी बाबा क्या कहेंगे, स्माइल की तरह। तुम्हें तो पता होना चाहिए भाई को, देखो अंदर वॉशरूम में देखा हूँ। I'm Frank. इस्माइल को पिक कर लिया था, जब आपके साथ ना हो तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रैंक की आपके साथ, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, आपके साथ प्रैंक हुआ है। आप भी हाथ हिला दो, प्रैंक हुआ। आप भी हाथ हिला दो, प्रैंक हुआ। पहले ले आई थी मुझे, मैंने पहले सोचा नहीं मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक करूँ, अगर मैं पहले सोच ली थी ना, मैंने सडनली जैसे ही अनाया ने मुझे पूछा ना मैं कायनात प्रैंक कर लो इनके साथ, वरना अगर मैं पहले सोच ली थी ना मैंने ऐसा प्रैंक करना था ना, ये तुम लोगों को हशर हो जाता यहाँ पर। मैंने सोचा नहीं, जैसे ही अनाया ने मुझे पूछा ना मैं कहा, मेरे माइंड ने कहा कायनात प्रैंक कर लो बच्ची डरी हुई है, तो मैंने टू भी कंटिन्यू कर दिया। अरे सडन प्रैंक पे ना मैं प्रिपेयर नहीं थी। यहाँ पे ये क्लिप मैंने पहले ऐड किया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा यहाँ ऐड कर दिया, क्योंकि व्लॉग में अनएक्सपेक्टेड प्रैंक हो गया, तो जिसकी वजह से मैंने कहा मैं आपको भी थोड़ा सस्पेंस में डाल देती हूँ। तो जनाब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनका भाई नहीं उन्हें मिल रहा था, मैं पहले ही इस्माइल को पिक कर चुकी थी, क्योंकि इस्माइल की तबीयत ख़राब हो गई थी, स्कूल से कॉल आ गई थी कि इस्माइल को आएँ और पिक कर लें, क्योंकि इस्माइल को कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ये चीज़ जो थी ना, मुझे तो कुछ भी ऐसा, मैंने कुछ प्लांटेड नहीं थी कोई भी चीज़ के जी ये हम इस तरह से व्लॉग को लेके जाएंगे, लेकिन सडन जब बच्चों को रिएक्शन देखा तो फिर मैंने कहा चलें प्रैंक करते हैं। चलो जी आगे हम घर, मैं सीधा किचन में ही आ जाती हूँ। इस्माइल तो देखो वो बैठा हुआ है, किचन में ही आ जाते हैं और हम अपना काम करते हैं स्टार्ट। चूल्हा हमने जला लिया, ये मैंने टमाटर नहीं कट किया सैलड में, कहा ज़रूरत होगी तो कर लूँगी, अभी इतना ही काफ़ी है। चलो करती हूँ मैं जल्दी से, ठीक है? शवारमे के लिए चिकन शवारमा या चिकन चिकन टिक्का
रोल भी है, चिकन शवारमा कह लो उसको आप, चिकन टिक्का रोल कह लो। चलो बस फिर जल्दी से करके आओ गो। तो जनाब यहाँ पर अभी मैं रेडी करने लगी हूँ गरम गरम ज़बरदस्त चिकन टिक्का रोल। मैं इनके नेम चेंज कर देती हूँ। मैं कह रही हूँ इसको चिकन टिक्का रोल, फिर मैं कहती हूँ शवारमा, क्योंकि मेरे लिए सब एक जैसे ही हैं सच में। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। तो जनाब यहाँ पे ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया था। इस पर ऑयल नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। बस मैंने फ्राई पैन पे भी थोड़ा मैरिनेशन के टाइम पर ऑयल यूज़ कर लिया था। फिर जब आप बनाएंगे ना ऐसे रोल तो वो ऑयल उसमें बिल्कुल भी सही नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जनाब ये 12 जो हैं इसमें रैप हैं इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगा। ये आफ्टर खाने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिसका रिज़ल्ट बता रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका था रैप का। तो बस अब यहाँ पर इसको करते हैं क्विक असेंबल, हर चीज़ बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सा सॉस किसको चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो यही वाला है कि मुझे ये सॉस चाहिए और मुझे ये सॉस चाहिए। लेकिन सबको पहले तो मायोनीज़ चाहिए और केचप बाद में जनाब ऐड होगी डिफरेंट डिफरेंट सॉस। तो इसमें अभी सबसे पहले मैं बना रही हूँ इस्माइल का। इस्माइल को मस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें हम मस्टर्ड सॉस ऐड करते हैं। और इसको जनाब मैं और बच्चे ये भी कह रहे थे हमें ग्रिल करके दें, तो नहीं तो अगर मैं खाली रोल बना देती इसमें सारा फिल करके तो रोल बना देती, रैप कर देती, लेकिन बच्चों को ग्रिल किया हुआ भी खाना था, तो इसलिए फिर मैंने मशीन ऑन की थी कि चले साथ ही मैं इसको भी ग्रिल भी करती हूँ। तो बस आप देखें साथ रहें और देखें इस कितना ज़बरदस्त लगेगा इसका रिज़ल्ट। बहुत ही अच्छे से रेडी हुए थे। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले कर लें। और जनाब ऐसे ज़बरदस्त ज़बरदस्त व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी व्लॉग ऐसे नहीं होते जी, कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं। जो हम कर रहे हैं मैं तो वही बस अपलोड कर देती हूँ। तो जनाब आपके साथ अपनी जो डेली रूटीन है उसको शेयर करते हैं, उसमें क्या खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो चलें आपको भी मैंने कहा साथ रखते हैं और आपसे शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें और यहाँ पे जनाब मैंने चीज़ ऐड कर दी है, बहुत ही ज़बरदस्त यम यम सा चीज़ी सा बन जाए ना ये, बड़ा मज़ेदार सा। तो यहाँ पर ये बच्चों की फरमाइश पे ज़बरदस्त से ये देखें रोल करके ना इसको मैं ग्रिल कर दूँगी बस इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए बस, और ये इसका चीज़ मेल्ट हो जाएगा और इसके ऊपर ऐसे ऐसे मार्क्स बन जाएंगे। तो जनाब नेक्स्ट वाला जो है वो उमे हानी का है। उमे हानी को पेरी पेरी सॉस लगानी थी, तो जनाब ये पेरी पेरी सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे। दो जो सॉस है वो मेन है, मायोनीज एंड केचप, और पेरी पेरी इसमें ऐड हो गया। तो बस जैसे अनाया को पसंद सॉस होगी वो सॉस डाल देंगे, और जो जो इनके बच्चे हैं माशाल्लाह वो अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ अगर आपने बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं की तो बस सभी वो कहते हैं ये तो हमने फिर खाना ही नहीं है। तो मैंने जनाब और भी मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी, और ये देखिए मार्क कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आ गया, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और उसके साथ जनाब मैं साथ साथ प्लेट्स में बना बना के रख रही थी जैसे गर्म गर्म सर्व करती हूँ। अच्छा मैं खाना हो और कोई भी मुझे आदत है बच्चों को गर्म सर्व करने की। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, इसके ऊपर मार्क हो गए जनाब, बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है। यमी यमी सा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जनाब टिक्के मसाले के अलावा कोई भी और इन्ग्रीडियंट्स इसमें है ही नहीं, मैं मज़ीद और भी फ्राई कर रही हूँ इसमें ना, और सैलड और ये सब रेडी कर करके रखते जा रही हूँ। जी हो गया है रेडी, ये शवारमा सबके शवारमा रेडी है। ये देखो जूसी, हाँ
अच्छा से करके। इब्राहिम ये लो, चलो इब्राहिम को देते बेबी। ठीक हो गया, हैप्पी एवरी डे न्यू मील। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, मैं हाली का उस तरफ है, वो बंद देती हूँ। मम्मी हनी का पैरी पैरी सॉस वाला ना, या इसमें दे ये मम्मी हनी का, ठीक है या इस पे से फिर क्या करूँ, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देती हूँ ताकि फिर आगे स्टार्टिंग रखा था। या पकड़ना ही मकसद है ज्यादा के हाथ पे नहीं आए, ऊपर से निकलती है। मैं इधर करती हूँ और ये मैं देती हूँ उमे हानी को। हैप्पी? या आई एम सो एक्साइटेड। चलो भी खाओ। थैंक यू। अनाया को भेज दो, ये देखे वो अनाया को। सो यम्मी बम्मी। गिरा नहीं लेना ना, बच्चे ना बस ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर अब रेडी हो रहा है मेरे वाला, ये देखे यहाँ पर ये रेडी हो गया है जबरदस्त सा। अब मैं खाऊंगी, बच्चों को सर्व कर चुके हैं, चलो मैं अब खाती हूँ। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर अभी मैं मगरिब की नमाज पढ़ के फ्री हुई हूँ, बच्चों को खिला पिला दिया था। मगरिब की नमाज भी जल्दी हो जाती है, 5:10 तक हो जाती है। तो बस नमाज खाते पीते नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, बल्कि बन गई है, मैं कप में डालूंगी। और जनाब हम पहुंच गए हैं 6 o'clock तक। नमाज पढ़ी और सब करने के बाद आराम सुकून से फिर मैं कहा मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद अब शाम की चाय पीते हैं। और जनाब मुझे ना स्कार्फ भी बाय करने, बताओ आपको, मैं स्कार्फ लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ये होता है कि जब अब जैसे मैंने ये स्कार्फ में एक वीडियो डाल चुकी ना, तो मैंने कहा कहेंगे कि कायना तो स्कार्फ में घूमती रहती है। तो क्या करें ना, घर में अब इसी तरह होता है, जो स्कार्फ हाथ लगता है ले लेती हूँ और बाद में वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अभी चाय पीती हूँ, चाय पी के अभी देखती हूँ क्या करता है डिनर में और क्या बच्चों ने खाना है डिनर में, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। करेले लेकर आए थे, करेले खाने थे आज, लेकिन करेले नहीं बने अभी। तो ये देखो मैं चाय डाल रही हूँ कैसे, तो करेले तो नहीं बने, उसकी जगह शवारमे बन के खा खू लिए, बहुत ही मज़ेदार बने, बहुत यम बने। ब्रेड का जो टेस्ट था ना वो भी बहुत अच्छा था। ये ब्रेड आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये ब्रेड बहुत मज़े की ब्रेड थी, यानी कि स्पेशली जब ये रैप करने वाली कुछ चीज़ें थी ना, उसमें अगर ब्रेड का टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो वो सारा टेस्ट इतना अजीब सा देता कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं था किसी भी चीज़ का। लेकिन इतने यमी बने, बहुत यमी बने, मज़ा आ गया। चिकन टिक्का मसाला लगा, फिर वो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स जितने भी होंगे ना, चीज़ उतनी ही मज़ेदार बनेगी, उतना ही बस लाजवाब सा टेस्ट होगा। तो जनाब ये सब चीज़ें जो खा पी चुके, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब पीते हैं हम चाय, और चाय के साथ फिर सोचते हैं अगर रात को फिर बच्चों के लिए मैं क्या करूँगी, क्या बनाऊँगी। कर करेले प्याज बना लूँ, मेरा करेले और प्याज खाने को दिल चाह रहा है। मेरा करेला कीमा और करेले गोश्त, करेले ये मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, मेरा करेले प्याज खाने को दिल चाह रहा है। मैंने वो बनाया तो बच्चे तो नहीं खाएंगे, पता नहीं खाएंगे भी, खा भी लेंगे, लेकिन सोच रही हूँ कि चलो इनके लिए कुछ और बना लूंगी फिर, ठीक है ना। तो ना अभी तो मैं चाय पीऊंगी बेफिक्र होकर सुकून से, अभी खाया अगला फिर सोच रहे हैं, मेरा सो दिमाग घूम जाता है। मैं कहती बस अभी खा लिया चुप कर जाओ, 2-3 घंटे नाम नहीं लेना खाने का, लेकिन बच्चे ना वो जल्दी से बस फिर वो भागते दौड़ते तो ना भूख जल्दी लग जाती है, तो इसलिए फिर मुझे भी जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, चाय एंजॉय करती हूँ, फिर देखते हैं। अच्छे यहाँ पे देखिए अपना एंजॉय कर रहे हैं, अनाया यहाँ पर बैठी रिलैक्स कर रही है, इस्माइल तो वहाँ बैठा गेम खेल रहा है। अभी मुझे वो एरिया सही ही करना है, बस मुझे इतने टाइम में ना वो मिला ही नहीं, काफ़ी मेस हुआ हुआ सब जगह, ये सही होने वाली है। और इधर बैठा है इब्राहिम, ये बैठा खेल रहा है गेम, ये खेल रहे हैं फोर्टनाइट, खेल रहे हैं आप लोग, ये फोर्टनाइट प्ले कर रहे हैं इधर बैठे हुए। और अनाया देखिए, और मैं पीने लगी चाय, सब कर रहे हैं अपना एंजॉय।